बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था किस प्रकार से हमने बेसिक एंट्रीज को वर्कआउट किया था जो अकाउंट से रिलेटेड थी जीएसटी में, जैसे हमने कैपिटल को कैसे इन्वेस्ट किया, बैंक बैलेंस किस प्रकार से दिखाया और इम्पोर्टेंट एंट्रीज, परचेज की एंट्रीज और सेल्स की एंट्रीज को भी हमने पिछले सेशन में किया। हमने देखा कि अगर परचेज लोकल हो तो किस प्रकार से एंटर कर सकते हैं और परचेज अगर इंटरस्टेट हो अर्थात राज्य से बाहर की हो तो किस प्रकार से आप एंटर कर सकते हैं उस परचेज को। इसी तरह से हमने सेल्स की भी दोनों तरह की एंट्रीज देखी, लोकल और इंटरस्टेट, अर्थात इंट्रा और इंटरस्टेट सेल्स को हमने भी देखा दोनों एंट्रीज को एंटर करके। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं टैक्सेस किस प्रकार से आप देख सकते हैं जीएसटी में टैली के साथ, और साथ ही किस प्रकार से आप पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं जो ड्यू रहती है। अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन पॉइंट से देखें तो मैंने मोटा मोटा जो हिसाब है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यदि आप देखें तो 5400 रुपये आपको सेल से प्राप्त हुए हैं जीएसटी में सीजीएसटी के रूप में, और 4500 रुपये आपने पहले से पे कर रखे हैं परचेज करते हुए, तो बीच का जो डिफरेंस है 900 रुपये आपको पे करना है गवर्नमेंट को। इसी तरह से आपके पास एसजीएसटी में 5400 रुपये प्राप्त हुए सेल करते हुए, और एसजीएसटी में परचेज करते हुए आपके पास जो आपने पे किया था वो 4500 रुपये थे, तो 900 इसका डिफरेंस भी आपको पे करना है। इसी तरह से आईजीएसटी है, इसमें आपके पास 9000 रुपये आपने पे किए थे जब आपने परचेज किया था और 11700 रुपये आपने प्राप्त किए थे जब आपने सेल्स किया था, तो दोनों का डिफरेंस 2300 रुपये है, ये भी आपको पे करना है गवर्नमेंट को क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा टैक्स पड़ा है। तो अब यदि बात करें तो इन सब का टोटल 4500 रुपये मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। ये छोटा सा टैक्स कैलकुलेशन है जो यहाँ पे हमने एक इस चार्ट के द्वारा दिखाया हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके पास टैक्स की इंटरनल एडजस्टमेंट भी होती है, ये जानकारी हम पिछले वीडियोस में ले चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको, यदि ये वीडियो आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आप सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के एडजस्टमेंट भी ले सकते हैं। तो नीचे दी गई 3 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सीजीएसटी का यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसे सीजीएसटी से एडजस्ट किया जाता है और फिर आईजीएसटी से। इसी तरह से यदि आपको एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना है तो आपको पहले उसे एसजीएसटी से एडजस्ट करना होता है, और यदि कोई अमाउंट बचती है तो उसे आप आईजीएसटी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से आईजीएसटी यदि आप एडजस्ट करना चाहते हैं, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहते हैं, सबसे पहले यह दिए गए आईजीएसटी से एडजस्ट किया जाएगा, फिर सीजीएसटी से और फिर एसजीएसटी से। तो इस प्रकार आप इन तीनों का एडजस्टमेंट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कभी भी सीजीएसटी जो है एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं होगा और ना ही एसजीएसटी जो है वो सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, बाकी सभी टैक्सेस आपस में एडजस्ट हो रहे हैं यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीजीएसटी को एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं करना है, ना ही एसजीएसटी को सीजीएसटी से एडजस्ट करना है, और बाकी जो टैक्स है एडजस्टमेंट वो हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं, हम अपने वीडियो में चलते हैं। अब ये जो एग्जांपल है इसमें तो हमारे पास पहले से ही यहाँ पे जो टैक्स पेड है और जो हमने टैक्स लिया है सेल्स में, उन दोनों में डिफरेंस 900 रुपये का है, सीजीएसटी में, एसजीएसटी में 900 का है, आईजीएसटी में 2700 रुपये का है, 2700 का टोटल टैक्स 4500 रुपये का हमारे पास खड़ा हुआ है यहाँ पे। अब हम देखेंगे टैली में इसको किस प्रकार से एंटर कर सकते हैं और साथ ही देखेंगे किस प्रकार से टैक्स की रिपोर्ट्स देखी जा सकती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं किस प्रकार से बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं रिगार्डिंग एंट्रीज। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे आ जाता हूँ, गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले पे आप आ जाएं और यहाँ से डे बुक में यहाँ से चुन लेता हूँ। डे बुक में आप यदि अभी देखिए 1 तारीख है तो 1 जुलाई के हिसाब से एंट्रीज दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पीरियड ले लूँ 1/7 से 2/7 का, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, दिखा देगा आपको। तो अभी चारों एंट्रीज आपको दिखाई दे गई हैं, 2 जिसमें सेल्स की है, 2 परचेज की है। यदि मैं यहाँ पे डिटेल्ड पे क्लिक कर दूँ, ऊपर की तरफ बटन गया है, डिटेल पे क्लिक करते ही आपके पास पूरी डिटेल खुल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे ड्रोन कंप्यूटर अम्बाला का एक सेल्स का बिल दिखाया गया है, इंट्रा स्टेट बिल है तो इंट्रा दिखाया गया है, सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज हुआ है। एक हमारे पास क्रिएटिव कंप्यूटर अम्बाला का इंट्रा स्टेट परचेज दिखाया गया है, सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज हुआ है। सीटे कंप्यूटर लुधियाना पंजाब का परचेज है, इंटर स्टेट है, आईजीएसटी चार्ज हुआ है। और दीपल कंप्यूटर राजपुरा है, सेल्स इंटर स्टेट है तो पंजाब आउटसाइड है, आईजीएसटी चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी दिखाई गई है। अब हम यहाँ बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट स्टैचुटरी रिपोर्ट्स की। यहाँ से आप जीएसटी का पूरा स्टेटस देख सकते हैं इस समय क्या है। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ,
स्टेचुटरी रिपोर्ट्स में आप जीएसटी को सिलेक्ट कर लीजिए, आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, जीएसटी आर वन और जीएसटी आर टू। जीएसटी आर वन का अर्थ है आपने जो भी सेल्स की हैं उनके ऊपर जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटीज हैं वो यहाँ शो की जाएंगी। मैं क्लिक करके खोल लेता हूँ। इन सब टर्म्स को मैं पिछले सेशन में डिफाइन कर चुका हूँ, बी टू बी क्या है, बी टू सी क्या है, बी टू सी स्मॉल क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे पहले वीडियोज़ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर भी यहाँ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा आपको हर एक चीज़ की। तो यहाँ पे बी टू बी का मतलब है कि बाय टू बायर इनवॉइस जो जनरेट किया गया है, दो हमने यहाँ पे बिल काटे हैं सेल्स के। तो ध्यान रखिएगा जीएसटी आर वन जो है वो टोटल सेल्स की समरी की जानकारी देता है, इसमें परचेज के बिल नहीं इंक्लूड किए जाते। आप ऊपर दे सकते हैं जीएसटी आर वन, टोटल नंबर ऑफ वाउचर जो है वो चार हैं और अभी रिटर्न्स में जो इंक्लूड किए गए हैं दो हैं। ऐसा क्यों है ये भी देख लेते हैं। हम इन दोनों को एंटर करेंगे तो आप देखेंगे दो सेल्स के इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको यहाँ पे केवल सेल्स ही इंक्लूड की जाती है। जो नोट रेलिवेंट है वो कौन से हैं, वो नोट जीएसटी आर वन ट्रांजेक्शन है, अर्थात जो परचेज के हैं। तो ध्यान रखिएगा जो आपके सेल्स के वाउचर है वो यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, परचेज के वाउचर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। हम अभी देखेंगे परचेज के वाउचर जो है जीएसटी आर टू में दिखाए जाएंगे, वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। अब यहाँ पे बी टू बी इनवॉइसेस यहाँ दिखाए गए हैं, मैं एंटर करूंगा तो इनकी डिटेल आ जाएगी, वही डिटेल है जो मैंने अभी डे बुक में आपको दिखाई है। एंटर करके आप एंट्रीज पे भी जा सकते हैं। मैं स्केप करके वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको टैक्स की इन्फॉर्मेशन भी दिखाई गई है। यदि आप देखें तो ड्रोन कंप्यूटर अम्बाला हरियाणा ने जो एक जो उसका जी एस टी नंबर है उसका डिटेल है, वाउचर टाइप दिखाया गया है, 60,000 का जो माल है टैक्सेबल वैल्यू ये दिखाई गई है, क्योंकि अम्बाला की सेल थी तो 5400 CGST लगा है और 5400 ही SGST लगा है। टोटल अमाउंट 10,800 है और इनवॉइस अमाउंट ये दिखाई गई है। 2/7 को एक बिल और काटा गया है, वो जो काटा गया है वो 65,000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू का है, उसमें क्योंकि पंजाब का बिल है तो इस पे IGST चार्ज हुआ है 11,700 और टोटल यहाँ पे दिखाया गया है 76,700 टोटल बिलिंग अमाउंट जो इनवॉइस अमाउंट है वो है। नीचे आपके पास पूरी सेंट्रल जो टैक्स है उसकी अमाउंट, सेल्स टैक्स की अमाउंट और टोटल टैक्स अमाउंट कितनी है, इन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पूरी तरह से दी गई है। IGST की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे पहले दी गई है। मैं यहाँ से स्केप करके बाहर आ जाता हूँ। इसी तरह से GST 2 भी आपके पास यहाँ दिखाया गया है। GST 2 जो है यहाँ पे परचेज की इन्फॉर्मेशन आपको देता है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स जो हैं वो चार हैं, इंक्लूड इन रिटर्न्स टू, कौन से रिटर्न है, परचेज जो इंक्लूड किए गए हैं वही यहाँ पे शो किए गए हैं। GST 2 में सेल्स रिटर्न को शामिल नहीं किया जाता, इसलिए नोट रेलिवेंट दिखाए गए हैं जो आपके सेल्स के वाउचर्स हैं। यहाँ पे इनकम्प्लीट मिसमैच अगर आपका आता है तो ध्यान रखिएगा आप इसमें यदि किसी एंट्री को करते हुए आपने GST नंबर प्रॉपर नहीं दिया, अमाउंट प्रॉपर नहीं दी या कोई और कारण जिसमें टैक्स का आपने चार्ज नहीं किया, तो कुछ इस तरह के बिल्स हैं इनकम्प्लीट माने जाएंगे और उनको भी GST रिटर्न्स में शामिल नहीं किया जाएगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पे परचेज के जो बिल्स हैं उनकी जानकारी दी गई है, कंप्लीट डिटेल है यहाँ पे। आपका क्रिएटिव कंप्यूटर से अम्बाला से हमने परचेज किया था, 50,000 रुपये की परचेज थी, CGST चार्ज होगा और SGST चार्ज होगा, टोटल 59,000 रुपये यहाँ पे हो गए। सीटे कंप्यूटर लुधियाना था पंजाब से, 50,000 रुपये यहाँ परचेज थी, 2,000 रुपये IGST चार्ज होगा क्योंकि बाहर की यह परचेज है, टोटल 59,000 रुपये अमाउंट है। नीचे की तरफ आपके पास जो IGST टोटल आपने जो दिया है 9,000 रुपये, CGST जो दिया है 4,500, स्टेट टैक्स दिया है 4,500, टोटल अमाउंट यहाँ शो की गई है। अब स्केप करके यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ। इस तरह से आप GST आर 1 और 2 से देख सकते हैं अपनी टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर दिखाई गई है। अब हम देखते हैं कि जो टैक्स है वो किस तरह से पे किया जा सकता है गवर्नमेंट को, उसकी क्या एंट्री रहती है। ये हमने जो एक टेबल बनाया था इसमें मैंने जो आपका टोटल टैक्स ड्यू है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पहले ही दिखा दी है। 31 तारीख को जो टोटल टैक्स दिया गया है वो यहाँ पे दिखाया गया है। CGST 900 रुपये, SGST 900 रुपये, IGST जो टेबल है वो 2700 रुपये है, क्योंकि आपके पास आउटपुट का जो टैक्स जो सेल्स पे कलेक्ट किया गया है टैक्स वो ज़्यादा है और जो परचेज पे टैक्स दिया गया है वो कम है। इस कारण से यहाँ पे ये जो टैक्स ज़्यादा है ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो 900 रुपये CGST के ड्यू पेबल हैं, SGST के 900 रुपये और 2700 रुपये IGST के, टोटल 4500 रुपये अमाउंट ड्यू है। अब इसी अमाउंट को आप कैसे चेक कर पाएंगे, जब आप GST इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं टैली के अंतर्गत आप किस प्रकार से देख पाएंगे आपकी टोटल लाइबिलिटी कितनी है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम ये देख सकते हैं टैली में। मैं इस वक्त स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे हूँ, यहाँ से एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ, फिर से बाहर गेटवे ऑफ टैली पे।
यहाँ से बैलेंस शीट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैलेंस शीट आपके पास पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाएगी, जो इन्फॉर्मेशन है एसेट्स और लाइबिलिटीज में पूरी जानकारी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। मुझे यहाँ देखना है कि मुझे कितना टैक्स देना है, तो करंट लाइबिलिटीज में अगर मैं चला जाऊँ तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के बॉक्स में मुझे टैक्स की इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है। 4500 रुपये मेरा जो टैक्स है वो बकाया है। मैं एंटर करके उसकी फर्दर डिटेल भी देख सकता हूँ। यही मैंने अभी आपको टेबल के साथ, जो ग्राफ या चार्ट के साथ दिखाया है। 900 रुपये आपका CGST पेबल है, IGST 2700 रुपये पेबल है और SGST जो है 900 रुपये पेबल है। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि आप CGST और SGST को आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो टैक्सेस हैं उनको आपस में एडजस्ट आप कर सकते हैं। तो ये देखते हैं किस प्रकार से टैक्स को हम पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को, उसकी एंट्री आइए देखते हैं। तो यहाँ से मैं समरी सेक्शन से बाहर आ जाता हूँ एस्केप करते हुए, और फाइनली फिर से गेटवे ऑफ टैली पे, क्योंकि मुझे पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को, तो अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं पेमेंट का वाउचर सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पे करना है। यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन अवेलेबल है स्टेट पेमेंट। स्टेट पेमेंट का मतलब है स्टैचूटरी पेमेंट है जो आपकी, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। स्टैचूटरी पेमेंट का अर्थ है कि जो आपके टैक्स रिलेटेड पेमेंट्स हैं उनके लिए आप अलग से एक क्लास डिफाइन है, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस। मैं GST को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि GST के लिए ही मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। फिर आप कौन से पीरियड से लेकर कौन से पीरियड तक पे करना चाहते हैं वो बता दें। मैं 1/7 से यहाँ पे 31/7 तक की जो पेमेंट है वो, जो ड्यू है वो पे करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ पेमेंट टाइप क्या है आप, क्योंकि यहाँ पे एडवांस पेमेंट है, रिसिपिएंट लाइबिलिटी है या रेगुलर है। अभी ये रेगुलर है क्योंकि अभी एडवांस और रिसिपिएंट लाइबिलिटी की बात हम आने वाले सेशंस पे करने वाले हैं। यहाँ रेगुलर सेलेक्ट करके एंटर कर दें। अब देखेंगे कि यहाँ पे स्टैट्यूटरी पेमेंट GST यहाँ पे आ गया है। जो डेट है मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, मैं पे करना चाहता हूँ 31/7 को, तो इसके लिए मैं 31/7 यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर डेट में 31/7 आपके पास आ जाएगा। पेमेंट आप किस मोड में करना चाहते हैं, मैं कैश में करना चाहता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे जो पेमेंट पे करनी है उन सभी अकाउंट्स को यहाँ पे शो करना है। सबसे पहले मैं CGST सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब CGST सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए 900 रुपये क्रेडिट में दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ 900 रुपये फिल करने हैं इसको ज़ीरो करने के लिए। देखिए ज़ीरो हो गए, अर्थात जब मैं पे करूँगा तो 900 रुपये यहाँ पे हो जाएंगे, अर्थात जब मैं 900 रुपये पे करूँगा तो 900 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे CGST के। अब देखिए यहाँ बैलेंस जो है ज़ीरो हो गया है और कैश जो है वो 10,000 का 9100 रुपये रह गया है। इस तरह से मुझे SGST पे करना है तो SGST सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी 900 रुपये है, मैं एंटर कर देता हूँ। IGST है इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये 2700 रुपये है, इसको भी मैं एंटर कर देता हूँ। अब तीनों की एंट्री यहाँ पे मैंने फिल कर दी है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी मैंने इस एग्जाम्पल में कॉमन लेजर लिया है, जिसमें मैंने एक ही लेजर का प्रयोग किया है CGST SGST और IGST की पेमेंट के लिए। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं उसमें केवल इसी का चेंज करूंगा मैं, जिसमें CGST SGST और IGST के लिए इनपुट और आउटपुट अलग अलग लेजर लूंगा मैं। अब दोनों सेक्शंस में अलग अलग बेनिफिट हैं। अगर आप एक लेजर लेते हैं कॉमन लेजर, जैसे इस एग्जाम्पल में है, उसका अलग बेनिफिट है, ऑटो एडजस्टेड हो जाएगा अमाउंट, आपको पता लग जाएगा टोटल ड्यूबल कितना है। और जब आप अलग अलग लेते हैं तो आपके पास हर एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली डिटेल्ड में रहती है। इनपुट टैक्स कितना आपके पास आया, आपने आउटपुट टैक्स कितना प्राप्त किया, इनपुट टैक्स आपके पास कितना आपने दिया, आउटपुट टैक्स आपके पास कितना आया, टोटल डिफरेंसेस कितने हैं, वो सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अभी ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल था तो मैंने इसको सिंपल ही रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ नीचे की तरफ प्रोवाइड GST डिटेल्स, यस कर देता हूँ। यहाँ पेमेंट मैं किस मोड से करना चाहता हूँ, मैं कैश मोड में करना चाहता हूँ। जो बैंक वगैरह के इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। पेमेंट डेट नरेशन में खाली छोड़ देता हूँ। फाइनली यहाँ से मुझे यस करना है। जैसे यस करूँगा मेरी यहाँ पे पेमेंट स्टैचूटरी हो जाएगी, जो स्टैचूटरी GST के लिए पेमेंट मैंने की है। एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। अब यदि मैं बैलेंस शीट पे जाऊँ, जहाँ मैंने अपनी लाइबिलिटीज़ देखी थी, तो करंट लाइबिलिटीज़ पे दोबारा जाता हूँ। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज में मुझे कुछ भी अब पे नहीं करना है, ये मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से मैंने उस पूरा का पूरा पेमेंट जो है वो पे कर दिया है। तो इस तरह से हमने इस पूरे एग्जाम्पल में उन सभी बेसिक्स बातों को सीखा है जो GST इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूरी हैं। किस प्रकार से हमें परचेज अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, किस प्रकार से सेल्स अकाउंट क्रिएट करने हैं, कहाँ हमें GST का रेट डिसाइड करना है, उसके पश्चात हमें किस प्रकार से अकाउंट्स में दिए गए ड्यू पेमेंट को जो GST के रिगार्डिंग है उसको पे करना है, इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ ली है। आने वाले सेशंस में हम इन्हीं एग्जांपल्स को थोड़ा सा एडवांस करते चले जाएंगे। जैसे सर्विस सेक्टर या सर्विस इंडस्ट्री के लिए अगर आपको अकाउंट्स बनाने हैं तो वो किस प्रकार बना पाएंगे आप,
या यदि आप परचेज किसी ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो रजिस्टर्ड डीलर ही नहीं है, तो यूआईडी डीलर है उससे किस प्रकार से आप परचेज को एडजस्ट कर पाएंगे। और इसी तरह से आप यदि ये जो मैंने कॉमन लेजर बनाया है और इसको अगले एग्जाम्पल में दो अकाउंट से रिप्रेजेंट करूंगा इनपुट और आउटपुट के साथ, जिसमें हर एक के लिए मैंने दो अकाउंट्स क्रिएट कर लिए हैं, इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। इन सबको हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। धन्यवाद।